नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल लेन देन न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश महेश्वरी। दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको बताया कि लहसुन की फसल लगभग तैयार है और मंडियों में आनी भी शुरू हो गई है। हमारे काफ़ी दर्शकों ने हमसे सवाल किया कि लहसुन की इस बार क्या स्थिति रहेगी और भाव में क्या उतार चढ़ाव रहेगा। तो आज हमारे साथ हैं कोटा थोक फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट मंडी के अध्यक्ष निरंजन जी मंडावत। तो निरंजन जी, आपको बताएंगे कि इस बार लहसुन की क्रॉप कैसी है और कितना आने का अनुमान है, कितना हेक्टेयर का रकबा है और क्या भाव रहने का अनुमान है। निरंजन जी नमस्कार। नमस्कार सर। तो हमारे दर्शकों को निरंजन जी बताएंगे कि इस बार लहसुन की क्या स्थिति बन रही है। हड़ौती में कोटा बूंदी बारा झालावाड़ के अंदर लगभग 1,08,000 हेक्टेयर के अंदर लहसुन की बुआई हुई है। पिछले दो वर्षों की अपेक्षा 18-19, 19-20 की अपेक्षा इस बार डबल रकबे में लहसुन की बुआई हुई है। रकबा बढ़ा है तो भाव भी पिछले साल की अपेक्षा काफ़ी कम रहेंगे, लेकिन अभी जो फरवरी के अंदर आड़ोती में जो वर्षा हुई उससे 10% से लेकर और 25% तक लहसुन खराब हो चुका है। ऐसा इसलिए उम्मीद है कि इस बार भी किसानों को अच्छे भाव मिलेंगे। और अभी जैसे कि मध्य प्रदेश में जो लहसुन आ रहा है तो अपना जो हड़ौती का जो लहसुन है वैसा लहसुन अभी वहाँ अपने 5,000 से लेके 7,000 रुपये प्रति क्विंटल से बिक रहा है। तो हमें भी आशा है, विश्वास है कि इस बार भी लगभग 4,000 से लेकर 7,000 के बीच में किसानों का लहसुन मंडी में बिकेगा। लेकिन जैसे अपन मानते हैं कि पूरे इंडिया में हड़ौती का लहसुन सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है। जी हाँ। और यहाँ से एक्सपोर्ट भी होता है। तो जैसे तो अभी तो गीला है तो भाव कम रहते हैं, लेकिन जैसे सूखा लहसुन आएगा तो भाव कितने ऊपर तक जा सकते हैं? गीले का भाव 4,000-7,000 रहेगा। जैसे ही लहसुन सूखा लहसुन आ जाता है, रकबा ज़्यादा है तो उम्मीद यही की जा रही कि लगभग 7,000-8,000 के आसपास ही सूखे लहसुन का भाव रहेगा। हाँ, हो सकता है बाद में बढ़ करके। हाँ, हो सकता है कि लहसुन की कहीं डिमांड आ जाए। और जैसे कि बता रहा हूँ ना मैं आपको कि 10% से 25% का जो लहसुन में वो हो चुका है, खराब हो चुका है खेत के अंदर, लहसुन सूख गया है वो, क्योंकि फरवरी के अंदर जो बरसात हुई थी उससे कुछ पेड़ गल गए हैं। इसलिए उम्मीद है कि भाव अच्छे रहने की उम्मीद है। वैसे अनुमान तो ये लगाया जा रहा है कि 4,000 से लेके और 8,000 तक भाव रहेंगे। इस बार लहसुन का रकबा बढ़ने का अपन क्या कारण मानते हैं? 18-19 के अंदर लहसुन 20,000 रुपये क्विंटल तक बिका और वर्ष 19-20 के अंदर लहसुन अपने 14,000 रुपये क्विंटल तक बिका। इसलिए किसानों का जो रुझान है, पिछले दो वर्ष में लहसुन के भाव अच्छे नहीं, बहुत अच्छे किसानों को मिले, तो इसी को देखते हुए किसानों में रुझान हुआ कि इस बार लहसुन की खेती ज़्यादा करें और लहसुन की बुआई भी पिछले दो वर्षों से अपेक्षा डबल हो गई लगभग। अपने हड़ौती की मंडियों का अपन अनुमान लगाएं, कहाँ कहाँ पे लहसुन आता है? बारा और छिपाबड़ौत का तो नाम है, कोटा भी है, बामाशाह मंडी भी है। हाँ, तो लगभग सभी ऑल ओवर पर पिछले सीजन में कितनी आवक रही थी मंडी में? लगभग छिपाबड़ौत, बारा, भामाशाह मंडी, कोटा तोक सब्जी मंडी के अंदर लगभग मानो प्रतिदिन की आवक आप 60,000 कट्टे के आसपास मान सकते हो, जो पिछले सालों की अपेक्षा ज़्यादा थी। पिछले सालों की अपेक्षा ज़्यादा नहीं थी, लेकिन थोड़ा 10-5% ज़्यादा था। पिछली बार क्या उत्पादन ठीक निकला था, मतलब लहसुन की बुआई तो 18-19 के लगभग हुई थी, लेकिन क्या है उत्पादन ज़्यादा निकला था। लहसुन का बीघा में जो उत्पादन होता है वो बहुत ज़्यादा निकला था। तो इस बार कितनी क्रॉप पर डे आने की मंडियों में संभावना लग रही है? इस बार लगभग 80 से 90 हज़ार कट्टे चारों मंडियों में आएंगे। बारह, छिपाबड़ौत, कोटा की दोनों मंडियाँ?
जी हाँ जी ना, चारों मंडियों में। जी जी तो ये किसानों का रुझान कोटा मंडी में ज़्यादा रहता है या मध्य प्रदेश की जैसे नीमच या दूसरी मंडियों की तरफ ज़्यादा रहता है? किसान का रुझान तो अपने अपने जो अपने जो हाड़ौती में जो चारों मंडियाँ हैं इनमें ज़्यादा रहता है, लेकिन कभी कभी किसान सोचता है कि यार मध्य प्रदेश की मंडियों में जाके देख ले, ट्राई कर लेते हैं। कितनी बार तो ऐसा भी होता है कि मध्य प्रदेश से भी लहसुन वापस हमारे यहाँ जाता है, जैसे वहाँ भाव कम लगते हैं तो वापस यहाँ जाता है, और मध्य प्रदेश की और हमारी मंडियों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं रहता है। कभी हो सकता है कि वहाँ 2 रुपये ज़्यादा मिल जाए, हो सकता है कभी हमारे यहाँ 2 रुपये ज़्यादा मिल जाए। उतना तो भाड़ा ज़्यादा लग जाता है। बिल्कुल जी हाँ जी, किसानों का भाड़ा लग जाता है। और मध्य प्रदेश की मंडियों में ये है कि किसान को 3 दिन 4 दिन 8 दिन लग जाते हैं। हमारी जो चारों मंडियाँ हैं इसके अंदर किसान जिस दिन आता है उसी दिन किसान फ्री हो जाता है। धन्यवाद निरंजन जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी, उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। दोस्तों अगर और भी कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।